पड़ताल इज प्रेजेंटेड बाय विंजो गेमिंग ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ। घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश, जो आप अपने बैंक अकाउंट, UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। दावा क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक समेत हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करंट लगने की घटनाओं का जिक्र मिल रहा है। यूजर्स कह रहे हैं कि किसी इंसान या वस्तु को छूने पर करंट लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। कहीं इसके पीछे 5G रेडिएशन को जिम्मेदार बताया जा रहा है तो कहीं मौसम में बदलाव को। कुछ इसी तरह सोशल मीडिया पर प्रथम न्यूज नाम के एक अखबार की कटिंग वायरल है। वायरल कटिंग में छपी खबर की हेडिंग है, कुछ दिनों से हर चीज़ को छूने से महसूस हो रहा है करंट, 5G रेडिएशन के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की श्रृंखला में हो रहा उतार चढ़ाव। सोशल मीडिया यूजर्स इस दावे को सही मानकर इसे शेयर कर रहे हैं। फेसबुक यूजर मोहम्मद अली ने वायरल कटिंग पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा है? ट्विटर यूजर शुभम कौशिक ने भी वायरल कटिंग ट्वीट किया है, कुछ लोग सवाल पूछने के इरादे से तो कुछ 5G को वजह बताते दावों पर भरोसा करने के बाद करंट लगने से जुड़ी बातें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। खैर, ये सही बात है कि इस बीच मैं अपना अनुभव बताऊं तो मुझे भी काफ़ी करंट लग रहा तमाम चीज़ों को छूने पर। खैर, अब बारी है पड़ताल की। दी लल्लन टॉप ने दावे की विस्तार से पड़ताल की। हमारी पड़ताल में करंट महसूस होने के दावे को 5G रेडिएशन से जोड़ता दावा भ्रामक निकला। भारत में अभी 5G सेवाएं शुरू नहीं हुई हैं और किसी भरोसेमंद रिपोर्ट में हमें रेडिएशन के कारण करंट महसूस होने की जानकारी नहीं मिली। कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें प्रथम न्यूज़ की वेबसाइट पर वायरल कटिंग से जुड़ी खबर मिली। 2 अप्रैल 2021 को छपी इस खबर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से किसी भी चीज़ को छूने पर करंट महसूस हो रहा है। खबर में बताया गया है कि इंजीनियरिंग और IIT के छात्र इसे 5G रेडिएशन से जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी कॉलेज या छात्र का नाम नहीं दिया गया है। इसके बाद करंट लगने के पीछे किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या का प्रोटॉन की संख्या से के मुकाबले बढ़ जाना बताया गया है। साथ ही लिखा है कि 5G रेडिएशन के कारण शरीर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का स्तर प्रभावित हो रहा है, इस वजह से जब हम किसी चीज़ को छू रहे हैं तो हमें करंट लग रहा है। वायरल खबर में किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट या एक्सपर्ट का जिक्र नहीं है। 5G रेडिएशन का मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सर्च करने पर हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वेबसाइट पर इससे जुड़ी जानकारी मिली। WHO की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अभी तक हुए रिसर्च में 5G रेडिएशन के कारण स्वास्थ्य पर किसी प्रकार के दुष्परिणाम की कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि अभी तक 5G से जुड़ी रिसर्च कम ही हुई है। रेडिएशन के कारण पैदा होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी से हमारे शरीर के टिश्यू गर्म जरूर होते हैं, लेकिन इससे हमारे शरीर के तापमान पर बहुत ही कम असर होता है। कुल मिलाकर हमारे शरीर पर इसका असर ना के बराबर होता है। इसके बाद हमने इस रेडिएशन के कारण करंट महसूस होने के दावे को समझने के लिए IIT दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक दीक्षित से बात की। उन्होंने दी लल्लन टॉप को बताया, कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण पैदा होता है, उसका कोई पोटेंशियल नहीं होता, इसलिए किसी भी वेव से करंट लगने की आशंका नहीं होती। 5G रेडिएशन के कारण करंट लगने की बात सिर्फ एक अफवाह हो सकती है। रेडिएशन का कोई शॉर्ट टर्म नुकसान बॉडी को नहीं होता है। करंट हमारे शरीर में तभी लग सकता है जब हम किसी हायर पोटेंशियल वाली चीज़ को छूते हैं। डेली लाइफ में चीज़ें छूने से महसूस होने वाले करंट का कोई नुकसान नहीं है। जैसे हमें कभी कंघी या कुर्सी को छूते हैं तो हमें कभी कभी हल्का हल्का करंट महसूस होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है, इसलिए इससे हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वायर को छूएंगे तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। भारत में अभी 5G इंटरनेट सेवाएँ शुरू नहीं हुई हैं। इंडिया टुडे की 9 फरवरी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 5G इंटरनेट सेवाएँ 2022 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। शुरुआत में कुछ खास यूजर्स ही 5G सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो किसी भी चीज को छूने पर कभी कभी करंट लगने की घटना सामान्य है, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है। आइए इसके पीछे की साइंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। साइंस के नजरिए से बात करें तो ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजें एटम यानी परमाणु से बनी होती हैं। हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने पर वो स्थिर होता है। जैसे ही इनकी संख्या कम या ज़्यादा होती है, एटम की स्थिरता गड़बड़ा जाती है। सामान्य तौर पर किसी भी तरह के घर्षण
के कारण हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और दूसरे वस्तु में कम हो जाती है। इसके बाद जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमारे शरीर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तब हमें करंट महसूस होता है। साइंस में इस करंट को स्टैटिक करंट कहते हैं। सर्दियों के मौसम में स्टैटिक करंट का ज़्यादा असर देखने को मिलता है क्योंकि सर्दियों में हवा में नमी कम होती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से हमारी स्किन की सतह पर विकसित हो जाते हैं, जबकि गर्मियों में नमी के कारण इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हमें करंट का अनुभव कम होता है। खैर, हमें किसी भी रिपोर्ट में 5G या 2G, 3G, 4G का किसी चीज़ को छूने से लगने वाले करंट का कोई सीधा संबंध इनसे नहीं मिला। वैज्ञानिकों को भी इस दावे में दम नज़र नहीं आता। तो नतीजा क्या निकला? 5G नेटवर्क के कारण किसी चीज़ को छूने पर करंट लगने का दावा करते दावे भ्रामक निकले। 5G पर मौजूद अध्ययनों में कहीं भी करंट लगने का जिक्र नहीं है। किसी चीज़ को छूने पर करंट लगना इलेक्ट्रॉन की संख्या में आए बदलाव का नतीजा होता है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी ओम ने, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।